Yes. May I comenzó? Please come, please come. Have seat, have seat. Yes, Rudrika Prabhu, tell me. Sir, हमें डिजिटल मार्केटिंग में करियर गाइडेंस चाहिए. डिजिटल मार्केट में आपको करियर गाइडेंस चाहिए, राइट? Yes. तो आपको आगे कैसे फ्यूचर में जाना है उसके लिए. गाइस, आपको भी करियर गाइडेंस चाहिए डिजिटल मार्केटिंग में, तो इस वीडियो को सेव करके रखिए और चैनल को फॉलो करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ये गाइडेंस में जानने वाला हूँ, ये रियल गाइडेंस है, आपको समझ में आ ही जाएगा. ठीक है, आपको करियर गाइडेंस चाहिए डिजिटल मार्केटिंग में, राइट? तो कब का कोर्स कम्प्लीट हुआ आपका? सर, 3 months ago. 3 months ago आपका कोर्स कम्प्लीट हुआ है आपका? जस्ट फिनिश हुआ आपका. 3 months फिर इतना गैप क्यों? कोर्स कंप्लीट के बाद आपने इतना गैप क्यों लिया 3 months? सर, बिकॉज़ आई वाज कंप्लीटिंग माय एमबीए, तो एग्जाम्स की वजह से मैंने 3 months का गैप लिया था. ओके, सो बिकॉज़ ऑफ एग्जाम्स यू टुक द गैप्स. ओके, नो प्रॉब्लम. थोड़ा सा आपने पढ़ाई वगैरह की है, थोड़ा सा आपने रिविजन वगैरह किए अभी? नो सर, एक्चुअली एग्जाम की वजह से प्रैक्टिस नहीं की. हाँ, तो अभी क्या करना पड़ेगा आपको कि पहले रिविजन कर लो, क्योंकि मैं बोलूंगा कि आगे करियर में तो मैं आपको गाइड कर ही होगा. तो जो भी आपने ये 3 महीने का जो गैप था, अभी ये जो आपने पूरा कोर्स कंप्लीट किया था डिजिटल मार्केटिंग का, तो आप रिविजन कैसे करेंगे? हर एक फेसबुक का एक कैंपेन कर लो, यूट्यूब का एक कैंपेन, गूगल एड्स का एक कैंपेन कर लो, एसईओ का पूरा रिविजन कर लो. सारे जो पॉइंट्स है उसको एक बार गो थ्रू करिए और पूरा अच्छे से उसको रिवाइज करिए. ठीक है, आपका जस्ट फिनिश हुआ है कोर्स, राइट? तो आपको मैं करियर गाइडेंस यही दूंगा कि यार आपको अभी इमिडिएटली अप्लाई करना, स्टार्ट करना इंटरव्यूज में. बहुत सारे इंटरव्यू कॉल्स पड़े हैं आपके एलएमएस में, इंटरव्यू कॉल्स चल रहे हैं, बहुत अच्छे इंटरव्यू कॉल्स आ रहे हैं, तो आपको इमिडिएटली अप्लाई करना स्टार्ट कर देना पड़ेगा. ठीक है सर, मुझे पूछना था मैं कौन से कंपनी में अप्लाई करूँ. कौन से कंपनी में अप्लाई करूँ? हाँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि यार स्टार्टअप में करूँ या मिडिल स्किल में करूँ या एमएनसी में करूँ. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है फ्रेशर्स के माइंड में. तो डेफिनेटली जब भी आप स्टार्ट करें तो मैं रिकमेंड करूंगा एकदम छोटे कंपनी से भी नहीं करना है और एकदम बड़े कंपनी में भी नहीं जाना है, मिडियम स्किल से कंपनी में जाना है. क्यों? देखो, स्टार्टअप कंपनी में प्रॉब्लम आ सकती है, कंपनी कब बंद गिरेगी. स्टार्टअप कंपनी मतलब आप 2 एम्प्लॉय काम कर रहे, तीसरे आप हो. तो इतने भी छोटे कंपनी में काम नहीं करना है और इतने भी बड़ी कंपनी में काम नहीं करना है कि वहां पे आपको सीखने को भी कुछ ना मिले, राइट? तो आई सजेस्ट कि जहाँ पे 20-25-30 लोगों का स्टाफ है और आपको अच्छी सैलरी दे रहे हैं और अच्छा वहाँ पे आपको अच्छा इनरोलमेंट मिल रहा है, कंपनी अच्छी मिल रही है, सीखने को अच्छा मिल रहा है, तो उस कंपनी को आपने ज्वाइन करना चाहिए, राइट? एमएनसी कंपनी में मैं बोलूंगा रिकमेंड नहीं करूंगा इमीडिएट फ्रेशर लेवल को. क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको बड़े ऐसे प्रोसेस में छोटा सा काम दिया जाएगा, इसलिए वहाँ पे आपको लर्निंग का जो स्कोप होगा वो थोड़ा कम हो सकता है. इसलिए आप स्टार्ट करें तो मीडियम स्केल कंपनी से स्टार्ट करें. सर, मेरा क्वेश्चन था कि मैं कौन से फील्ड में अप्लाई करूं, यानी कि सोशल मीडिया, पीपीसी, एसईओ, यानी कि कौन से फील्ड में ज्यादा करियर ग्रोथ. यस यस, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है फ्रेशर्स. आप डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट हुआ है कि पीपीसी में जाओ कि एसईओ में जाओ या गूगल एड्स में जाओ. देखो, आज आपको ये समझना है कि आपको लॉन्ग टर्म खेलना है. लॉन्ग टर्म का मतलब आपको खुद का कुछ स्टार्ट करना होगा या फिर आपको मैनेजर बनना होगा इन फ्यूचर. आपको एक बड़े मैनेजर और एक डायरेक्टर लेवल तक जो जाना होगा, तो आपको सब नॉलेज चाहिए होता है. आप एक स्पेशलिस्ट होते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेशलिस्ट होने में कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन कभी कोई क्या होता है ना, स्पेशलिस्ट फिर आपको कोई एक आधा क्लाइंट बोलता है कि मेरी रिक्वायरमेंट अभी चेंज हो चुकी है, आप पीपीसी एक्सपर्ट हो और क्लाइंट बोल रहा है मुझे कल से सोशल मीडिया पे भी ऐड चलाना है. सो आपको तो बेसिक ही नॉलेज है उसका, तो फिर आप उसमें वहां पे कम गिर सकते हो. तो एज आपको आगे जाना हो तो मैं बोलूंगा स्पेशलिस्ट सब में होना है. गूगल एड्स में भी स्पेशलिस्ट होना है, एसईओ में भी स्पेशलिस्ट होना है, और तीन चीजें में स्पेशलिस्ट होना है. कौन कौन से? एसईओ में स्पेशलिस्ट, पीपीसी में स्पेशलिस्ट मींस गूगल एड्स में स्पेशलिस्ट, और थर्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग मींस फेसबुक एड्स, मेटा एड्स में स्पेशलिस्ट. सिर्फ 3 में भी स्पेशलिस्ट हो जाते हो आप, तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे आपके लाइफ में. इसलिए 3 में भी फोकस करिए और मेहनत करिए और 3 में भी स्पेशलिस्ट हुई है. क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगा, ज्यादा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. करो ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? और जब इन फ्यूचर आप ग्रो करेंगे तो आपके पास 3 का पोर्टफोलियो होगा, 3 में भी मैंने काम किया है, तो आपका ग्रोथ भी फास्ट होगा और डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट्स भी आगे देखने को मिल जाएंगे. और आप इन फ्यूचर खुद का बिजनेस भी स्टार्ट करना हो, फ्रीलांसिंग भी करना हो, तो आप सब सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे क्लाइंट्स को. सर, हाउ टू वर्क इन अ कंपनी, कौन से चीजों पे मैं फोकस करूं? यस, कंपनी में कौन सी कंपनीज, जैसे कंपनी में कैसे काम करना है. वहां पे जाने के बाद आपका ये क्वेश्चन है कि वहां पे जाके काम कैसे करना है. देखो, आज लोग चाहते हैं रिजल्ट्स, लोग चाहते हैं डेडिकेशन, लोग चाहते हैं कमिटमेंट. जो भी कंपनी में आप जाओगे वहां पे जो आपका बॉस होगा, जो भी आपका टीम लीड हो सकता है, आपका मैनेजर हो सकता है, वो आपसे चाहता है एक्स्ट्रा. एक्स्ट्रा का मतलब एक्स्ट्रा वर्क. तो अभी जो आपका फ्रेशर लेवल हुआ, आप मिडिल मीन्स आप जर्नी आपका जब डिजिटल मार्केटिंग में स्टार्ट हो रहा है, तो हमेशा आपको एक्स्ट्रा देना है. एक्स्ट्रा का मतलब ये नहीं है कि जस्ट आप एक्स्ट्रा टाइम वहां पे दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है. एक्स्ट्रा का मतलब आप जो भी काम कर रहे हो डेडिकेशन से कर रहे हो.
आप पूछ रहे हो हमेशा हमेशा कि सर और क्या काम करूं, और मुझे बताइए और मुझे समझाइए। आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि काम बताओ उतना काम कर दिया बैठ रहे हो। होता है ना जैसे कंपनी में जाते हो जितना काम उतना मैं करूंगा, उससे ज्यादा मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, ऐसा नहीं करना। आप जब भी कंपनी में जाओगे ना तो आप हमेशा आपको एक्स्ट्रा काम करना है, डेडिकेशन से काम करना है, हमेशा पूछते रहना है कि ये मैं सर क्या काम करूँ, सजेशन देते रहना है, सर आप हमें ऐसा कर सकते हैं क्या, इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, और ऐसा इम्प्रूव कर सकते हैं क्या। सपोज वहां पे सीखने को नहीं मिल रहा है तो आप उसको उनको मांगिए कि मुझे सर ये भी सीखना है तो आप इसके कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे तो दो मुझे। तो आप जितना ज्यादा वहां पे मांगोगे, सजेशन दोगे, कुछ इनोवेशन दोगे, आइडियाज दोगे, उतना वहां पे आपको ग्रोथ मिलेगा। अदरवाइज आप जा रहे हो काम कर रहे हो, सर उतना काम दिया हो गया मेरा काम, और मैनेजर के साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं है वो भी दे। और प्रो टिप्स दूंगा तो जितने भी इवेंट्स वगैरह होते हैं वहां पे पार्टिसिपेट करो, वहां पे एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज वहां पे पार्टिसिपेट करो। जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन करेंगे, जितना ज्यादा आप एक्टिव रहेंगे आपके फ्लोर पे, उतना ज्यादा आपका इन फ्यूचर ग्रोथ होगा। सर नेक्स्ट 6 मंथ्स में मुझे कौन से स्किल डेवलप करने चाहिए? देखो जैसे मैंने कहा 6 मंथ्स आपको नेक्स्ट में हमेशा सीखते रहना है, 6 मंथ नहीं हमेशा लाइफ लॉन्ग सीखते रहना है, 6 मंथ ही नहीं हमेशा, 6 साल भी हो 60 साल तक भी हो, आज आपको सीखते रहना ही होगा। 6 मंथ नहीं, मैं तो बोलूंगा जब भी आप आपके करियर में हमेशा आपको सीखते रहना ही है, हमेशा आपको सीखते रहना ही है, तो कभी भी सीखने में कोई कमी नहीं। और सीखना क्या है, जो आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस प्रोजेक्ट्स में और क्या अच्छा कर सकते हैं, और कैसे इनोवेट कर सकते हैं, और कैसे रिजल्ट ड्राइव करने में हेल्प हो सकता है, उसके ऊपर सीखते रहिए। ऐसा कुछ भी मत सीखिए रैंडमली कोई आर्टिकल ले लिया पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको आपके काम की चीजें सीखनी है। 80-20 प्रिंसिपल के बारे में सोचिए, जैसे 80% वर्क ऐसे होता है जिससे 20% रिजल्ट आ रहा है, लेकिन 20% ऐसे काम होते हैं जिससे 80% रिजल्ट आ रहे हैं। तो आपको सोचना है कि जो 20% क्या है, जैसे हमारे कंपनी में डिजिटल ट्रेनिंग में 20% कंटेंट बनाना, सेल्स को हैंडल करना, सेल्स बढ़ाना, ऐसे वीडियोस बनाना जिससे लोगों को हेल्प हो, गाइड मिले, तो ऐसे हम काम करते रहते हैं जिससे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आपको हमेशा ऐसे काम करना है जिससे रिजल्ट्स मिलते हैं, कोई ऐसे मोनोटोनस काम नहीं करना है जिससे कुछ नहीं मिल रहा है, राइट? सर व्हेन टू स्विच कंपनी, स्विच कब करना है कंपनी, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर अभी मैं काम तो कर रहा हूँ स्विच कब करें कंपनी, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो स्विच कब करना है, सिंपल है कि आपको वहां पे सीखने को नहीं मिल रहा है ना, वहां पे आपको अप्रिशिएशन हो रहा है ना, आपको वहां पे कल्चर अच्छा लग रहा है, तीन चीजें अच्छी नहीं मिल रही है ना, वहां पे सीखने को मिल रहा है ना, आपको वहां पे कंपनी कल्चर मिल रहा है ना, आपका बॉस भी अच्छा है, तीनों भी चीजें नहीं हो रही है, तो इमीडिएटली विदाउट एनी, एक महीना भी होता है वहां पे तो निकल जाओ वहां से। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वहां पे आपको सब सीखने को मिल रहा है, आपको वहां पे वर्क कल्चर भी खराब है और बॉस भी खराब है, तो वहां पे आप हमेशा डिसअप्रिशिएशन फील करेंगे और आप आपको कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन स्विच कब नहीं करना है वो भी बताना जरूरी है कि भाई आपको वहां पे हमेशा सीखने को मिल रहा है, बॉस आपको गाइड हमेशा करते रह रहा है, भले सैलरी थोड़ा कम मिल रहा है लेकिन आपको पहले 2-3 साल सीखने में फोकस आना करना होता है। सीखो पहले, 3 साल पहले सीखना पड़ेगा, बॉस आपको गाइड कर रहा है, वहां पे कंपनी कल्चर भी बहुत अच्छा है, फ्रेंडली है, वहां पे ठीक ठाक ग्रोथ भी मिल रहा है, ऐसा नहीं कि ग्रोथ एकदम जीरो मिल रहा है, वहां पे ग्रोथ ही नहीं दिया जा रहा है, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। हाँ ग्रोथ नहीं दे रहा है, सीखने को मिल रहा है तो भी मतलब नहीं, थोड़ा ग्रोथ भी होना चाहिए, वहां पे सीखने को मिलना चाहिए, वर्क कंपनी कल्चर भी अच्छा होना चाहिए, ऐसी कंपनी होती है तो वहां पे ठीक है। हाँ अभी ऑब्वियसली बहुत बार क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि सर कितना सैलरी ग्रोथ होता है कंपनीज में, देखो 15-20% एक एवरेज सैलरी ग्रोथ होता है, 15-20% आपको सैलरी ग्रोथ हो रहा है तो आप अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो, वर्क कल्चर अच्छा है, बॉस अच्छा है, गाइडेंस भी मिल रहा है, तो 15-20% तो मिलना ही चाहिए हर एक डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है कि 15-20% तक ही सीमित रहो, आपके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, आपने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए कंपनी को, बहुत एक्स्ट्रा वर्क दिया है, बहुत अच्छा काम करके दिया है, तो फिर देयर इज नो बार इन योर सैलरी, मीन्स आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, कुछ तो भी आपने बहुत अच्छा किया कंपनी के लिए। तो मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया था, मुझे लीड्स का टारगेट दिया गया था, 50 लीड का टारगेट था मुझे, लेकिन मैंने 1000-1000 लीड प्रोवाइड की, तो मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे 50 लीड के लिए काम करना है, मैंने ये सोचा मैं कितना ज्यादा दे सकता हूँ। तो हमेशा आपको ज्यादा देंगे तब जाके आपका ग्रोथ और ये बहुत ज्यादा फास्ट होगा। तो देर इज सैलरी का कोई ये नहीं होता है, जैसे 10-15-20% तक तो मिल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन आप आउट ऑफ द बॉक्स जाना चाहते हो, आपको अच्छा हाइक चाहिए, तो जबरदस्त आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके दिखाना पड़ेगा, तभी जाके ये होगा। सर 1 ईयर के बाद मुझे कितनी सैलरी होनी चाहिए? देखो सैलरी का सबका पोटेंशियल अलग अलग होता है, कि किसी को 1 लाख भी मिलता है एक साल में, किसी को 20,000 भी नहीं मिलता, राइट? तो इट्स कम्प्लीटली, 5 उंगलियां सर के नहीं होती, सबके अलग, भगवान ने सबको सर का भेजा तो है, लेकिन किसी का BSc होता है, किसी का BA कम्प्लीट होता है, किसी का MBA कम्प्लीट होता है, किसी का इंजीनियरिंग कम्प्लीट होता है, राइट? तो सबका अलग अलग स्किल सेट, उन्होंने पढ़ाई अलग अलग फील्ड में की, तो इस फील्ड में जो ज्यादा क्रिएटिव वर्क दिखाएगा, जो ज्यादा रिजल्ट्स ड्राइव करेगा, उसका कोई लिमिटेशन सैलरी का है नहीं,
राइट, तो ऐसा कोई लिमिटेशन है नहीं, लेकिन कोई भी कंपनी ऐसी है मुझे क्रिएटिव पर्सन चाहिए, कितना भी सैलरी देना चाहिए, आप रिजल्ट दे सकते हो ना मुझे बता दो, रिजल्ट कितना रिजल्ट देते हो ना मैं आपको सैलरी कितना भी देने को तैयार हूँ, ऐसे भी कंपनीज मार्केट में एग्जिस्ट करती है। तो मोस्टली मैंने जैसे कहा 15-20% 10% तक भी आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, वहां पे सीखने को मिल रहा है, वर्क कल्चर अच्छा है, तो भी वो कंपनी ठीक ठाक है। लेकिन अच्छी कंपनी क्या करती है, आपका जो ग्रोथ है, आपका जो सब कुछ है, वो आपके पोटेंशियल, आपका परफॉर्मेंस, आपका एबिलिटी टू वर्क, आपका पूरा चेक करती है और उसके हिसाब से आपको ग्रोथ देती है। तो मोस्टली मैं बोलूंगा एवरेज देखा जाए तो 15-20% आपका इंक्रीमेंट होना चाहिए जो भी आपका सैलरी हो। सर मुझे फ्रीलांसिंग करना है, तो हाउ शुड आई अप्रोच क्लाइंट्स? देखो फ्रीलांसिंग में सबसे पहले तो आपको इम्पोर्टेंट है कि पहले एक जॉब ले लो, डायरेक्टली फ्रीलांसिंग स्टार्ट नहीं करना है, एक पहले जॉब ले लेना है। जॉब स्टार्ट में, जॉब में भी सीखने को मिलेगा, और जॉब के बाद आपके पास सपोज 9 घंटे जॉब में चले गए, आपके पास और भी जैसे 24 घंटे आपके पास, तो 8 घंटे सो लो आप, 2 घंटा मजा मस्ती कर लो, 10 घंटे गए, तभी भी आपके पास 14 घंटे है, उसमें से 9 घंटे चले गए आपके जॉब में, स्टिल आपके पास 3-4 घंटा होता है, तो 3-4 घंटा आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो उस 3-4 घंटे में। तो क्लाइंट को अप्रोच करना हो तो सिंपल है, पहले आपके पास पोर्टफोलियो चाहिए, पहले आपके पास काम चाहिए, खुद का आपने क्या क्या काम किया है, आपको क्या पता है, राइट? तो वो आपके पास होता है तब जाके आप अप्रोच कर सकते हो। क्लाइंट को अप्रोच करते समय उसको पहले आप प्रेशर हो, आप डायरेक्टली क्लाइंट को मत बोलो कि पैसे दो पैसे दो, पहले हम हमारा पारा मेरा काम देखो, 7 दिन मेरा देखो मेरा काम कैसा चलता है, 7 दिन का मैं फ्री ट्रायल दे रहा हूँ मैं आपको, पहले जैसे नेटफ्लिक्स करता है पहले फ्री ट्रायल देता है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जैसे एसएम रश है पहले फ्री ट्रायल देता है, पहले ट्राई करके देखो। तो आप भी आगे को बोलो कि मेरे 7 दिन मेरा काम देखो और मेरा काम अच्छा लगा तो फिर मुझे मुझे आगे पैसे दो, अदरवाइज मत दो। आप पहले क्या करो, एज अ फ्रेशर हो आप, जब आप एक्सपर्टाइज हो जाएंगे तो पहले पैसे मांगना आपका हक बन जाएगा, लेकिन आप फ्रेशर हो अभी, जब आपका करियर जस्ट स्टार्ट हुआ है तो पहले उनको ट्रायल दो, उनको काम उनको समझो, उनको समझाओ, और उसके बाद उनको आगे आपके करियर में और आपके फ्रीलांसिंग जर्नी में आगे बढ़ो। सर एक क्वेश्चन था मुझे, इन फ्यूचर यानी कि 2-3 ईयर में मुझे मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करनी है, तो मैं कैसे स्टार्ट कर सकती हूँ? देखो एजेंसी स्टार्ट करना मतलब आपका फ्रीलांसिंग जो आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट होता है एजेंसी का फ्रीलांसिंग से, आप डायरेक्टली एजेंसी स्टार्ट मत करिए, हाँ बस कितना भी पैसा हो एजेंसी डायरेक्टली स्टार्ट मत करिए, आप पहले अपने जॉब करिए उसके साथ फ्रीलांसिंग करिए। जैसे मैंने कहा एजेंसी का कब सोचे, जब आपका फ्रीलांसिंग का इनकम आपका जॉब से ज्यादा हो गया है, 3 घंटे आप काम कर रहे हो डेली और 3 घंटे में आपको इतना पैसे मिल रहा है जो आपके जॉब से ज्यादा है और आप श्योर हो कि अभी मैं फुल टाइम ये कर सकता हूँ, तब जाके एजेंसी के बारे में सोचिए, अदरवाइज एजेंसी के बारे में अभी सोचिए ना, मैं सीधा रिकमेंड करूंगा। हाँ आपके पास पैसा है सर, पैसे की चिंता नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है घर पे, मैं मेरे को स्टार्टअप एजेंसी ही करना है, तो मैं आपको 2-3 टिप्स दूंगा। तो पहले आपको सेटअप करना है क्लाइंट्स के पीछे, पैसे रेवेन्यू के पीछे भागना पहले, क्योंकि क्या होता है ना बहुत बार कि आपके एक्सपेंसेस होते हैं, आपके ऑफिस का रेंट हो सकता है, आपके एम्प्लॉयज आपने हायर किए होंगे उनका सैलरी होता है, तो आप उनको हायर कर लेते हो उनको सैलरी नहीं दे पाएंगे टाइम पे, भले आपके पास पैसा है लेकिन जेब में से पैसा डालना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो हमेशा चेस करना है आपके क्लाइंट्स के लिए, मार्केटिंग अच्छा करो, आप लीड जनरेट करो, क्लाइंट की मीटिंग अच्छी करो, प्रेजेंटेशन अच्छा करो, और ये कंसिस्टेंटली जब आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा पैकेज वगैरह और आपके अच्छे क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट होंगे, अच्छे पैकेज वाले क्लाइंट मिलना स्टार्ट होंगे और वहां से आपका जर्नी स्टार्ट होगा। तो हमेशा रेवेन्यू पे फोकस करना है और क्लाइंट सेटिस्फेक्शन में फोकस करना है, क्लाइंट्स को बॉन्ड करने में फोकस करना है, क्लाइंट्स को ओवर डिलीवरी में फोकस करना है, तब जाके क्लाइंट्स भी आपके पास टिके रहेंगे। और कुछ? That's all, हो गया आपका? बस इतना ही था। Thank you so much. तो ऐसे ही जानकारी आप भी चाहते हो करियर गाइडेंस रिलेटेड, फ्रीलांसिंग रिलेटेड, एजेंसी रिलेटेड, तो इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और सेव करिए, और आपका क्या क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट आप कौन से वीडियो चाहते हो कमेंट में जरूर जरूर बताइए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।